नमस्कार वेरी वॉम वेलकम टू ऑलर्स एंड लर्नर्स एंड दिसव इंटरेक्शन ऑफ सी आई I am सी आर with आई एम रेणु भट्ट are ऑल us लाइव ऑन ई विद्या चैनल चैनल नंबर nine. और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम साइंस के नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों और आपको काफ़ी बातें बताई गई हैं फोर्स और लॉज के बारे में कि मोशन के लॉज क्या हैं और किस किस तरह से आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और हम आज अपने विशेषज्ञ के साथ हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे आप हैं मिस सोनिका सरण आप पीजीटी हैं और फिजिक्स टीचर हैं मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू और अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि अगर आपके मन में कोई क्वेरी आ रही हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ई भी कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल्स पे तभी आप जाते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे सभी प्रोग्राम्स खास ख़ासतौर तो पर इसका पार्ट वन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम बिना किसी देरी के आप शुरू करना चाहेंगे अपने आज का ये टॉपिक और सोनिका मैम हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम पार्ट सेकंड पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही ब्रीफ़ में हम आपसे जानना चाहेंगे पार्ट फोर्स के बारे में कि बच्चों ने क्या क्या पढ़ा हुआ गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट में न्यूटन फ़र्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये देखा था कि Uh, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या अपनी यूनिफॉर्म uh, स्पीड से चल रहा होता है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करता है अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहता है और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है तो वैसे ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लग, तो लग रहा हो अगर उसमें कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो ये हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे आपने फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की बात की हाँ। है तो हम ये दोनों ही शब्दों को चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें हमारे बच्चों को कि फोर्स क्या है और जब हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की तो वॉट एग्जैक्टली इस तो फोर्स तो बहुत ही कॉमन टर्म है यानी कि हिंदी में पता है कि किसी चीज़ पर बल लगाना फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो एक प्लेस पर रखा हुआ है अगर मैं उसकी पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी या तो उसको पुश करूंगी या पुल करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल द डोर अगर दरवाज़ा मुझे खोलना है सो आई विल पुल द डोर टवर्ड्स माई सेल्फ तो मैं क्या कर रही हूँ दरवाज़े पर फोर्स लगा रही हूँ तो so, वो एक एग्जाम्पल है फोर्स का किसी चीज़ की स्टेट को चेंज करना उस उसकी स्पीड बढ़ाना कम करना कैसे कम करना जब आप उसके साथ एक्चुअली इंटरेक्ट करेंगे तो उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स और अनबैलेंस फोर्स ये जो फोर्स है वो दो टाइप्स का होता है एक बैलेंस फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स तो जो बैलेंस फोर्स वो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट लेकिन अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है इतने सारे फोर्सेज लगने के बाद भी अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस फोर्स और अगर स्टेट चेंज हो रही है उसकी तो वो फोर्स कैसे कहलाते हैं अनबैलेंस फोर्स तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स टेबल पर रखा हुआ है उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट से राइट right से ऊपर से भी hmm. uh, जो नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट करता है और नीचे से ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है लेकिन बॉक्स फिर भी अपने स्थान पर स्टेशनरी है सो दैट इज द बैलेंस फोर्स Okay. अगर ऊपर नीचे के फोर्सेस बराबर हैं लेकिन hmm. अगर लेफ्ट साइड से अगर आप पुश कर रहे हैं राइट से मैं पुश कर रही हूँ hmm. और मेरे पुश करने पर आपकी तरफ बॉक्स मूव कर रहा है तो मेरा फोर्स ज्यादा है सो देर इज सब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड देन वी कैन से दैट अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ओके बिकॉज फोर्स बैलेंस नहीं है एक तरफ ज्यादा एक तरफ से कम हाँ, है तो इसलिए नेचर इज अनबैलेंस डेफिनेटली तो बच्चों ये तो बात हुई फोर्स की और अनबैलेंस फोर्स की मुझे लगता है कि आपको काफी चीजें रिकैप्चुलेट हो गई होंगी मैम अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में अपने टॉपिक yes. में तो ऑलरेडी फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब मैंने बताया था तो मैंने साथ में बताया था कि इसको हम इनर्शिया uh, कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है और इनर्शिया तीन टाइप्स का होता है इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको पता है कोई इनर्शिया का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब हम उस पर फोर्स लगाना चाहते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो रिजिस्ट करे उस चेंज को और अपनी उस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है तो दैट इज दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनर्शिया और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसमें भी जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लॉ ऑफ एनर्शिया कहलाता है इसमें आप देख रहे हैं फिगर जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं जैसे एक ग्लास है टम्बलर है टम्बलर पर एक शीट पेपर रखा हुआ उसके ऊपर एक कॉइन है हुँ. तो जब मैं पेपर को पुल करूँगी तो पेपर तो मोशन में आ गया लेकिन वो जो कॉइन है वो अपनी स्टेट मेंटेन करना चाहता है रेस्ट में ही रहना चाहता है जिसके कारण पेपर नीचे से निकल गया और वो कॉइन ग्रेविटी के कारण उसके अंदर गिर गया है सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन में आप आ, कुछ फिगर्स देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बस में बैठे हो और चलती हुई बस अगर जो है सडनली रुक जाती है तो हमारा जो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो तो ग्राउंड स्टेशनरी हो जाता है अगर बस रुकती है तो लेकिन जो हमारा जो अपर पार्ट है वो दैट स्टिल वॉन्ट्स टू रिमेन इन मोशन जिसके कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इसके बाद जल्दी से इनर्शिया ऑफ़ डायरेक्शन में हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी फील करा होगा कि आप किसी uh, कार में ट्रैवल कर रहे हैं आप कार सीधे रास्ते पे चल रही है और आप सीधे बैठे हुए हैं लेकिन अगर कार जो है हमारी टर्न आता है और हमारी कार अगर लेफ्ट साइड मूव करती है तो हम राइट right की तरफ बेंड हो जाते हैं ऐसे इसलिए होता है कि हम राइट right, क्योंकि हम, हम अपना डायरेक्शन जो है स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो अपर पार्ट है दैट बेंड्स टूवर्ड्स द राइट साइड बिकॉज वी स्टिल वॉन्ट टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ हमारा बॉडी का अपर पार्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना चाहता है तो हम राइट right की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्शिया अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोमेंटम ये जानना बहुत जरूरी है कि मोमेंटम क्या है फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट बॉल भी देखी होगी टेनिस बॉल भी देखी होगी तो आप क्रिकेट बॉल को अगर आप फेंक रहे हैं और टेनिस बॉल को भी अगर आप दोनों को आप सेम स्पीड से फेंक रहे हैं तो आपको क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और टेनिस बॉल जो कि उसी स्पीड से फेंकी गई है उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो एक चीज़ जो हमें इस एग्जाम्पल से समझ के आई है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स मास और दूसरा फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स विलोसिटी अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक सौ ऑब्जेक्ट हैं मान लो कि दो क्रिकेट की बॉल्स हैं एक सी बॉल्स हैं एक को ज्यादा स्पीड से फेंका है एक को कम स्पीड से फेंका है तो ज्यादा स्पीड वाली बॉल को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है स्पीड के भी स्पीड जिसकी ज्यादा क्यों है क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लगाया गया है तो इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू तो स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स विलोसिटी तो ऑब्जेक्ट जब कुछ जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है कि वो किस प्रकार मूव कर रहा है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसका उस पर कितना फोर्स लगाया गया है और फोर्स जो लगाया गया है क्या वो मास पर डिपेंड करता है तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक हम नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस uh, कर रहे हैं जो कि मोमेंटम कहलाती है सो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड विलोसिटी ये मोमेंटम यानि कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का उसके मोशन पर क्या इम्पैक्ट है इन दोनों का कंबाइंड टर्म है एक मोमेंटम ये हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जी. तो हमने भी क्या देखा है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है वो दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की मास पर और विलासिटी पर भी उस ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है या रोकना है तो फोर्स उस पर डिपेंड करता है ठीक मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे विक्टर क्वांटिटी के बारे में भी अच्छा. क्या होता है हमारे बच्चों को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए देखिए फिजिक्स में दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है आ, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है फॉर एग्जांपल टाइम जैसे hmm. मैं आपसे पूछूं अभी का टाइम क्या है तो आप hmm. मुझे यू टेल मी द टाइम लेकिन टाइम बताने के लिए आपको मुझे उसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है यू नीड टू स्पेसीफाई मी द्ज द डायरेक्शन ऑफ द टाइम तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को समझाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है दो फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केला क्वांटिटीज और फोर्स है जैसे मैं किसी चीज दरवाजा पुल कर रही हूँ अपनी तरफ पुल कर रही हूँ मैं दरवाजा सो आई एम एग्जर्टिंग अ फोर्स टुअर्ड्स माई सेल्फ दवाजे को अपनी तरफ खींच रही हूँ तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन है दिशा है उसकी तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे आ, एक, आ, बताने के लिए मुझे अगर डायरेक्शन बताना पड़ जाए तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है क्योंकि वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है किस वेलोसिटी से चल रहा है

एम इज द मास ऑफ़ द बॉडी एंड वी इज द विलासिटी ऑफ द बॉडी तो मोमेंटम क्या है मास और विलासिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन वी विल गेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्सिटी क्योंकि वैक्टर क्वान्टिटी है तो मोमेंटम भी एक वैक्टर क्वान्टिटी होगी तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज़ीरो मोमेंटम क्या है फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और कोई ऑब्जेक्ट किसी विलासिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा इट्स मास मल्टीप्लाइड बाई विलासिटी बट जीरो मोमेंटम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता मास का नेवर hmm. भी जीरो लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है hmm. तो उसका वेलोसिटी जीरो है वो जीरो वेलोसिटी है उसकी चल नहीं रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा इट्स मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो और इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड ये इसकी यूनिट होती है मास की यूनिट होती है के जी की मीटर पर सेकेंड होती है hmm. तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो ज़ीरो मोमेंटम जैसे आपने देखा होगा जब कोई गन है उसमें जब बुलेट होती है तब तो जब तक बुलेट फायर नहीं हुई है तो गन और बुलेट साथ दोनों का मोमेंटम कितना होगा ज़ीरो होगा जिस भी चीज़ की स्पीड जीरो है उसका मोमेंटम ज़ीरो है ओके तो यहाँ पर इस फिगर में आप यहाँ पर देख लीजिए जैसे आ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है या उसकी विलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा अगर फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एक ट्रक है उसका मास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर वो कम स्पीड से चल रहा है तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका तो ओवरऑल मोमेंटम ज्यादा हो गया मास बहुत ज्यादा है सिमिलरली अगर हम एक गन की बुलेट लें जो कि गन से फायर हुई है तो उसका मास तो बहुत कम है ग्राम्स में ही होता है गन का मास लेकिन जब वो फायर होती है बुलेट से तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे ही मोमेंटम uh, जो है बहुत ज्यादा हमने डेली लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसी देखी होंगी जहाँ ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर भी एग्जाम्पल फिगर आप देख रहे हैं कि ये कराटे प्लेयर है जो कि पाइल ऑफ टाइल्स को जो है वो ब्लो कर रहा है ब्लो hmm. एक ही एक ही झटके में वो तोड़ देता है क्योंकि उसका जो इनिशियल मोमेंटम जब वो हाथ ऊपर से नीचे लेकर आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है hmm. और उसकी स्पीड जो है सडनली जब वो उस पर टकराता है तो सडनली उसकी स्पीड तो हाथ उसका रुक जाता है आकर उसकी सडनली स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है तो उसका जो शुरू का मोमेंटम था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी मास तो हाथ का कॉन्स्टेंट है लेकिन इनिशियल मोमेंटम उसका बहुत ज्यादा था और सडनली जब उसने पाइल्स को तोड़ा तो उसका मोमेंटम हैज रिड्यूस टू जीरो तो आप देखिए कि जब उसका मैक्सिमम मोमेंटम था और जब उसका मोमेंटम जो है एकदम जीरो हो गया तो उसमें टाइम डिफरेंस कितना था बहुत ही कम टाइम था हुँ. कुछ ही क्षणों में जो है उसने अपना हाथ का मोमेंटम जीरो कर लिया उसका हाथ पाइल पर टकराया हाथ हुँ. उसका आकर रुक गया और क्योंकि टाइम इतना कम था तो जो जितना मैक्सिमम फोर्स था जो इम्पैक्ट था उसके हाथ का मोमेंटम का वो बहुत ज़्यादा फोर्स जो है उन टाइल्स पर एग्जर्ट हो गया और जिसके कारण दैट फोर्स वॉज सफिशेंट टू ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स और वो जो सारी टाइल्स हैं वो टूट गई सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द मोमेंटम कि कब मोमेंटम उसका ज़्यादा था और कब मोमेंटम उसका सडनली जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया और क्योंकि बहुत कम टाइम में मोमेंटम जीरो हो गया तो फोर्स बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हुआ जिसके कारण वो सारी टाइल्स जो हैं वो एक ही ब्लो में टूट गई hmm. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोमेंटम का कि p इज इक्वल टू एम अभी हमने देखा था तो एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे अगर किसी कार का मास सिक्स हंड्रेड है और अगर वो टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम कितना होगा सो so, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी मास 600 है वेलोसिटी अगर उसकी 10 है तो so, हम ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल पीस मोमेंटम बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं देन वी कैन फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी तो बॉडीटम हम लोगों ने देख लिया है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इन टू विलोसिटी नॉ वी कैन डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्स जैसे यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल स्पीड अगर u है u मीटर पर सेकेंड है और अगर उसकी फाइनल स्पीड अगर उसकी v मीटर पर सेकेंड है उसी ऑब्जेक्ट की टाइम t के बाद अगर उसकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड हो जाती है ऑब्जेक्ट का मास मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा अगर आप नीचे लिखेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छे से नजर में आएगा श्योर

फाइनल मोमेंटम अगर उसका एम तो वी है जो कि न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन कहता है कि of of P2 P1. और वो कितने टाइम में हुआ है तो जैसे कि कराटे वाला मैंने प्लेयर का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट अभी एक्सप्लेन करा है जिसमें उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम उसका पी वन है फाइनल मोमेंटम उसका पी टू है और पी टू का हुआ टी टाइम में हुआ है Hmm. तो ये जो मोमेंटम uh, का चेंज जो सडन हुआ तो उस केस में टाइम बहुत कम था और टाइम बहुत कम है तो ये जो फोर्स लग रहा है पाइल्स जो जो टाइल्स पर जो फोर्स लग रहा था दैट वाज मैक्सिमम फोर्स तो अगर टाइम बहुत कम है चेंज मोमेंटम के चेंज होने में तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा मैं आपको इसकी एक दो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देती हूँ श्योर मैम हम आपसे प्रैक्टिकल ये एप्लीकेशन जरूर पूछेंगे जानेंगे लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास ऑलमोस्ट चार मिनट का समय हमारे okay. सेशन के लिए मैम ओके श्योर तो हम इस टॉपिक को अभी कंप्लीट कर लेते हैं hmm. जो आपका न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन का जो आपका जो एप्लीकेशन है एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कराटे प्लेयर का आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के गेम में जो फील्डर होता है हमारा जब वो बॉल कैच करता है तो आपने उसको देखा होगा कि वो अपना हाथ पीछे कर लेता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉल आ रही है क्रिकेट बॉल उसका मास कम है और उसकी विलॉसिटी बहुत ज्यादा है उसकी विलॉसिस बहुत ज्यादा है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और उसका मोमेंटम अगर आप सडनली एकदम अगर हाथ कैच कर लेंगे तो उसकी विलॉसिटी एकदम जीरो हो जाएगी तो जो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ है वो बहुत कम टाइम में हुआ है जिसके कारण जो फोर्स अप्लाइड आपके हाथ पर होगा जो फोर्स एग्जर्ट आपके हाथ पर होगा वो ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा और जो आपका फील्डर है उसके हाथ पर चोट लग सकती है इसलिए उसका मोमेंटम को जीरो सडनली ना हो उसका टाइम वो क्या करता है अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है उसका विलासिटी सडनली जीरो ना हो और कैच में जो है वो टाइम बढ़ा देता है तो टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या होगा जो उसके हाथ पर लगेगा वो फोर्स कम होता है तो उसके हाथ में चोट नहीं लगती है, वो अपने हाथ को इस प्रकार बचा लेता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड है दूसरा एक्सपेर दूसरा जो है फिगर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जो हाई जंप करते हैं वो जब जंप करके जब नीचे की तरफ आते हैं तो उनको जो है सॉफ्ट बेड uh, दिए जाते हैं या कुशंस दिए जाते हैं या सैंड बेड दिए जाते hmm. हैं ताकि उनकी लैंडिंग जो है वो ईजी हो जाए क्योंकि अगर उस, अगर उनका मोमेंटम सडनली जीरो हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम तो उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड से जो है चोट, चोट लगेगी लग तो उनको नीचे गद्दा या इस प्रकार जो है सैंड बैड क्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर डिप्रेशन होगा अंदर जाएंगे और धीरे धीरे उनका जो मोमेंटम जीरो होगा सडनली नहीं होगा तो मोमेंटम जीरो करने के लिए हमने टाइम बढ़ा दिया है ड्यू टू विच द फोर्स एग्जॉटेड जो फोर्स उन पर लगेगा वो कम होगा और उनको चोट नहीं लगेगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे जो daily life के examples हुँ। हुँ। जो डेली लाइफ के हमने आज डिस्कस करे हैं so, मैम यहाँ पे हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि हम कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं हम ये भी आपसे जानना हाँ। चाहेंगे और इस बात के साथ हम इस सत्र को समाप्त करना चाहेंगे कार में भी हम सीट बेल्ट लगाने का हमारा एक यही पर्पज है कि जब कार हाई स्पीड से चल रही होती है तो हम भी कार की फिलोसिटी से ही चल रहे होते हैं तो हमारा भी एक मोमेंटम होता है मोमेंटम लेकिन अगर कार जब रुक जाती है स्पीड जीरो हो जाती है तो हमारी बॉडी भी रुक जाती है और मोमेंटम हमारा सडनली जीरो हो जाता है तो अगर जल्दी से उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं कि हम जो आगे जो झुकते हैं तो वो टाइम थोड़ा बढ़ जाए और हमको इंजरी ना हो hmm. सीट बेल्ट लगाने पर या तो इंजरी कम होती है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती है तो सीट बेल्ट इसलिए दी जाती हैं कि जो मोमेंटम जीरो करने का हम टाइम बढ़ा सकें अपनी बॉडी का सो दैट वी डू नॉट गेट हर्ट ओके okay. ओके okay. तो ये रीज़न है पीछे मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैम ने इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए और आपके आसपास ही हैं ये सारे एग्जांपल्स तो आपको अच्छे से समझ में आया है हम जिस बारे में बात कर रहे थे मैम हमें बिल्कुल जो है टाइम अलाउ नहीं कर रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं इससे हमें यहीं पर वाइंड अप करना होगा लेकिन सोनी का मैम जाने से पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुँचाया थैंक यू सो वेरी मच यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि अभी हम आप सभी से इजाजत ले रहे हैं लेकिन कुछ ही ब्रेक में अपने एक और कौन -कौन से हमारे है जो आप देख सकते हैं सोशल साइंस जियोग्राफी के स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट सेकंडे तीन बजे का समय है मैथमेटिक्स के टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जिसका टॉपिक रहने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट सेकंड चार बजे का समय है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का और आज इसका आखिरी दिन है आप इसमें ज़रूर रजिस्टर करें अपने आप को पांच बजे सहयोग सत्र लेकर आएंगे और शीर्षक रहेगा वैल्यू सिस्टम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स और साढ़े पांच बजे का समय है हमारे स्पेशल प्रोग्राम नीपा का जिसमें हम बात करते हैं स्कूल हेड से और हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में किस तरह से इन्होंने अपने पूरे स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया कौन कौन से चैलेंजेस और हर्डल्स उनके सामने आए और कैसे उन्होंने उसे ओवरकम किया आप ज़रूर देखिएगा साढ़े बजे अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार